A circle is inscribed in an equilateral triangle of side 8 cm. The area of the portion between the triangle and the circle is. देखिए थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये. क्या करना है हमें, दिया क्या हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, करे तो ट्रायंगल की साइड कितनी है 8, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, यानी रूट थ्री बाय फोर इंटू 64. ये कितना आ गया, 16 root 3. ठीक है, अगला क्या है देखिए, इसके अंदर जो सर्कल बनाया, इसका रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या होता है ए बाय 2 root 3. ए कितना है 8 by 2 root 3, यानी 4 by root 3. तो ये सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4 by root 3 का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. ये कितना जाएगा पाई इंटू 16 by 3. अभी ये हो गया पाई इंटू 16 by 3. ठीक है, हम वैल्यूज डाल देते हैं. देखो सबसे पहले है तो हमें बताना है इन दोनों के बीच में एरिया कितना है, हमें बताना है ये वाला एरिया, द एरिया ऑफ पोर्शन बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल, बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल, ये वाला एरिया, ये शेडेड पोर्शन. ठीक है, हमें ये निकालना है. तो शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया. ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 कॉमन लिया, रूट थ्री माइनस पाई बाय थ्री. 16 रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.732. पाई बाय थ्री कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14. 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 1.05 से थोड़ा कम आएगा. तो ये कितना हो गया, 16 इंटू 1.732 में से अगर मैं 1.05 माइनस करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.682. ठीक है, 0.682. अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे आप तो नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी 10.9293, समथिंग लाइक दिस, 10.92. तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, 10.95. एक्चुअली नियर अबाउट 10.95 ही आएगा. उसका रीजन क्या, देखो ये 1.05 नहीं आएगा, ये आएगा 1.04748, समथिंग लाइक दिस, 0.47. तो ये जब ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी. कैलकुलेशन बेसिकली आप अलग से कर लेना. आंसर इज 10.95 अप्रॉक्सीमेटली.